तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अननोन टेक्निकल में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, लेकिन उस वीडियो पर बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर ये वीडियो जो है वो आप कैसे बना रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये शॉर्ट वीडियो आपको देखने को मिल रही होगी। दोस्तों ऐसे शॉर्ट वीडियो हैं जो यूट्यूब पर बहुत ही जल्दी वायरल हो जाते हैं और इनको बनाना भी काफ़ी कठिन होता है, लेकिन दोस्तों मैं इतने ईजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस टाइप का जो कार्टून एनिमेशन शॉर्ट वीडियो है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना होगा अपने IBIS पेंट ऐप पर। तो यहाँ दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं IBIS पेंट ऐप पर। यहाँ पर आपको माई गैलरी पर क्लिक करना है, नीचे प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको 4096 का जो रेशियो है आपको ऐसे करके सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से ओके करना है। जैसे ओके करेंगे तो देखिए हमारा जो रेशियो आ चुका है। अब दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, एक करेक्टर बना लेना है। दोस्तों अगर आपको करेक्टर बनाना नहीं आता है तो आप इमेज सर्च मैन ऐप से कोई सा भी एक करेक्टर है वो आप ले सकते हो, उसका भी डिज़ाइन कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों आपको सिंपली करेक्टर कैसे बनाना है, सिंपली एक गोला खींचकर उसके आँख और मुंह बना लेनी है। तो यहाँ देखिए हम इस पर रूलर पर जाएंगे और यहाँ से ये ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे करके एक गोला बना लेना है, और गोला बनाने के बाद देखिए हम ऐसे करके जूम कर लेंगे और एक आँख और मुँह बना लेना है। तो यहाँ देखिए एक गोले में आँख और मुँह बना लेना है, आपको सिंपली एक गोला बना लेना है और उसका आँख और मुँह बना लेना है, ये देखिए। ठीक, तो इस टाइप का देखिए आप बना लेंगे। बना लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, इसको देखिए ऐसे जूम करना है, और जूम करने के बाद इसका आई बॉल भी आपको बना लेना है। यहीं पर ये आई बॉल हम इसकी बना लेते हैं। ठीक, आपको ऐसे करके बना लेना है। ठीक, तो ये देखिए कुछ इस टाइप में बन चुका है। बनने के बाद दोस्तों आपको इसको कर देना है ऑफ, और फिर उसके बाद दोस्तों इसको कलर फिल कर देना है। ठीक, तो आप कलर फिल कर देंगे तो यहाँ दोस्तों देखिए इस पर जाएंगे, बकेट पर जाएंगे, इसको देखिए हम कलर फिल कर देते हैं दोनों पर। ठीक, ऐसे कर लेना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों फिर स्किन का कलर ले लेना, तो ऐसा करके देखिए स्किन का कलर ले लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस टाइम में आपको बना लेना है। ठीक, तो मैंने ऑलरेडी करेक्टर बनाकर रखा हुआ है तो मैं उसको ले लेता हूँ। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऐसे कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद दोस्तों अब हमको सिंपली क्या करना है, एक क्रोमाटून करेक्टर लेकर आना है। तो हम यहाँ लेयर पर जाएंगे, कैमरे पर जाएंगे और एक क्रोमाटून का करेक्टर ले लेते हैं। यहाँ दोस्तों हमारा क्रोमाटून का करेक्टर आ चुका है, आपको ऐसे करके क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कैंसिल करना है, साइड पर क्लिक करना है। ये देखिए कुछ ऐसे, आप दोस्तों यहाँ देखिए बकेट पर जाएंगे और इरेजर सेलेक्ट कर लेंगे। इरेजर सेलेक्ट का साइज आप इससे देखिए छोटा बड़ा कर सकते हो, आपको सब कुछ मिटा देना है। देखिए आपका जो माउथ है आपको ये माउथ रख लेना है, और देखिए माउथ पर हम जूम कर लेंगे ऐसे करके। जूम करने के बाद दोस्तों अब आपको सभी क्या करना है, लेयर पर जाना है और यहाँ पर देखिए प्लस कर देना है ये वाला। ठीक, तो ये देखिए तीन नंबर का लेयर बन जाएगा, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, तो हमको अलग लेयर पर आपको बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम इस इरेजर पर जाएंगे, ब्रश ले लेंगे और यहाँ से हमको ब्लैक ले लेना है। ठीक, यहाँ हम इसका जो माउथ है वो बना लेंगे, देखिए कुछ इस टाइप में आपको बना लेना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए नीचे वाले पर जाना है और इसको ऐसे करके और ऐसे बना लेना है। ठीक, देख लीजिए दोस्तों कैसे कैसे बना रहा हूँ। फिर नीचे वाले पर जाना है, फिर इसको ऐसे करके और ऐसे बना लेना है। ठीक, और इस पर आपको कलर जो है वाइट दे देना है, ये देखिए ये कलर दे देना है ताकि हमारा जो टीथ है वो दिखे कि यहाँ दांत भी हैं इनके। ठीक है, अब दोस्तों हम देखिए इस पे जाएंगे और इसको कर देंगे फिर से ब्लैक, और नीचे वाले पर जाएंगे और इसको आपको ऐसे करके राउंड ले लेना है, बस इस टाइप में बना लेना है, ये देखिए। ठीक, अब दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, लेयर पर जाना है और यहाँ करेक्टर की जो लेयर है आपको ऐसे करके सेलेक्ट करना है दो नंबर की, इस पर जाएंगे और इरेजर ले लेंगे और इसको ऐसे करके आपको मिटा देना है। ये देखिए हम थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे करके मिटा देते हैं, ये देखिए सिर्फ ये हमारा रह जाएगा, देख लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, इस पे जाएंगे एरो पे, यहाँ से सेवस ट्रांसप्लांट PNG कर लेते हैं। सेवस ट्रांसप्लांट PNG करने के बाद दोस्तों हमको चले जाना होगा क्रोमाटून एप्लीकेशन में। यहाँ दोस्तों देखिए मैं आज क्रोमाटून एप्लीकेशन में आपको इस पे क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है, और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, करेक्टर ले लेना है। तो यहाँ इम्पोर्ट कस्टम पर जाएंगे, परफॉर्म ड्राइव पर क्लिक करेंगे, यहाँ लोड पर क्लिक करके अपना जो करेक्टर है वो हम ले लेते हैं। तो जो हमने माउथ बनाया था, यानी कि माउथ लेना था, करेक्टर नहीं लेना था, सॉरी। ये देखिए हमारा माउथ यहाँ आ चुका है। ठीक है, इनको उठा के साइड में कर देंगे। ये देखिए मुंह हमारा बोलता हुआ देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, तो हमको इस पर क्लिक करना है, प्लस के आइकन पर इस पर क्लिक करके आपको टॉकिंग का एनिमेशन दे देना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा माउथ जो बोलता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पर यहाँ पर जाएंगे, ब्लू बैकग्राउंड हम ले लेते हैं। ये देखिए हमारा माउथ आ चुका है बोलता हुआ। अब तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको कर लेना है रिकॉर्ड, तो यहाँ रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और फिर हमको सिंपली कैंसिल पर क्लिक कर लेना है और इसको देखिए रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देखिए, तो आप इसको अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर सकते हो, क्रोमाटून से मत करना क्योंकि क्रोमाटून में एक प्रॉब्लम होती है रिकॉर्डिंग की। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आप यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने काइंड मास्टर ऐप में।
यहाँ दोस्तों देखिए मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर ऐप में। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, मीडिया पर जाना है और एक बैकग्राउंड ले लेना है वाइट कलर का। ठीक, लेने के बाद दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और अपना करेक्टर जो हमने डिज़ाइन किया था उसको ले लेना है। ये देखिए हमने करेक्टर ले लिया है। लेने के बाद इसको अपने स्क्रीन के हिसाब से कर देना, मतलब वीडियो के हिसाब से। इसको हम कर लेते हैं बड़ा थोड़ा। तो ये देखिए हमने बड़ा कर लिया है। बड़ा करने के बाद दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और जो माउथ हमने बनाया है वो हम माउथ ले लेते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए माउथ आ चुका है। आपको सिंपली क्या करना है, क्रोपिंग कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, क्रोप करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इसका कोरोना की इनेबल कर देंगे और थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। ठीक, फिर इसको उठाकर आपको छोटा करके इसके मुंह लगा देना है, देख लीजिए। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का हमारा मुंह है जो बन जाएगा। ये देखिए बोलता हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो बाकी आप एडजस्ट करिएगा। देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। हाँ दोस्तों देखिए कुछ इस टाइप का आपको एडजस्ट कर देना है, ये देखिए। ठीक, ये देखिए, ठीक इस टाइप का आपको माउथ एडजस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ से ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों अगर आपको आईज ब्लिंकिंग करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, देखल पर जाएंगे और यहाँ हैंड राइटिंग पर जाएंगे। जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाना और यहाँ से कलर चूज़ कर लेना। ये देखिए ये कलर हम ले लेते हैं और इस पर जाएंगे पॉइंट पर और इसको हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए हमको ऐसे करके इसका जो आइस है आप बंद कर दीजिएगा। देखिए इतना हम करेंगे इसको और इसको ऐसे कैंची पर जाके इसको कट कर देंगे। ठीक, ये देखिए कुछ इस टाइप में हमारा दिखेगा, देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ठीक आइज ब्लिंकिंग इस टाइप में हो जाएगी। अब क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना और इसको बढ़ाकर आपको यहाँ पर रख लेना है। देखिए ये देखिए कुछ इस टाइप में हमारा जो करेक्टर है वो बनकर तैयार हो चुका है। ठीक, तो इस टाइप में आपको करेक्टर बना लेना है और इसको कर लेना है एक्सपोर्ट। ठीक, इसी तरह आपको सिंपली क्या करना है, अपना जो शंकर जी वाला जो करेक्टर है वो भी बना लेना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप भी बना सकते हो। अब दोस्तों इसको यूज़ कैसे करेंगे वो भी हम दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये वाला रेशियो ले लेना है 9:16 का न्यू प्रोजेक्ट। अब आपको क्या करना है, मीडिया पर जाना है और एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करके पैनल जूम पर जाना है और इसको फुल कर देना है। देखिए ऐसे करके आपको फुल कर देना है, ये देखिए। ठीक, और यहाँ से इक्वल कर देना। अब दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, अपना जो करेक्टर है वो लेकर आना है। ये देखिए करेक्टर आ चुका है। आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ये देखिए बड़ा करके दिखा देना है, यहाँ से कोरमा की इनेबल कर देना है और थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है और इसको क्रोप भी कर दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ पर बड़ा करके रख देंगे। देख लीजिए ऐसे करके आपको बड़ा करके रख देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए कुछ इस टाइप में हमारा बन जाएगा। ठीक, बोलता हुआ, ये देखिए, ठीक बन जाएगा। अब दोस्तों आपको सिंपली सेकंड बैकग्राउंड ले लेना है। यहाँ देखिए एक स्काई वाला आप कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेना। तो ये देखिए स्काई का बैकग्राउंड ले लिया। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, पैनल जूम पर जाएंगे और इसको ऐसे करके बड़ा कर देंगे। ये देखिए इक्वल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो शंकर जी का करेक्टर बनाएंगे उसको भी आपको ऐसे ही यहाँ पर ले आना है। कभी कोरमा की इनेबल कर देना है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ये देखिए इस टाइप में आपको इसको भी बैठा देना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए हमारा जो शॉर्ट वीडियो है कुछ इस टाइप में बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप भी इसी टाइप का जो अपना शॉर्ट वीडियो है वो बना सकते हो और ऐसे वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।